सो गाइज यहाँ पे चार बज चुके थे तो मैंने बनाई थी देसी स्टाइल में मैक्रोनी, हींग और सब कुछ डाल करके। मैंने टमाटो प्यूरी डाल के नहीं बनाई थी क्योंकि 4 बजे या 3:30, 4:15 या 4 बजे ये आ जाते हैं, तो फिर हाँ अब गर्मी आ गई है तो हम लोग शाम का नाश्ता भी ले लेते हैं। इलू भी ट्यूशन जाती है तो फिर कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता है, तो इस वजह से आज मैंने मैक्रोनी बना ली थी और फिर ये आए तो हमने खा ली थी। आज आपसे ओनली मैं अपना डिनर रूटीन शेयर करूँगी जिसमें कि मैं बनाने वाली हूँ छोले टिक्की, थोड़ा सा मिक्स वेज वाली बनाने वाली हूँ इस वजह से। तो इसकी रेसिपी, मैक्रोनी की रेसिपी तो आपको मैं 2-3 बार दे चुकी हूँ, तो हाँ मैंने इसलिए जल्दी 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 कर दी ये वाली, तो बस अब खा लेंगे। शाम का सारा काम निपटा करके बच्चों को बस खेलते हुए मैं देख रही थी, फिर मैं चली गई थी किचन में क्योंकि मैंने लेट थोड़ा सा छोले भिगोए थे, 2 या 3 बजे भीग चुके थे लेकिन गर्म पानी में भिगोए थे। तो ये चाय वाले मैं सोच रही थी चाय का पानी डाल करके इनको उबाल लूँ तो वो काले वाले बना लूँ, लेकिन बाद में मैंने काले वाले नहीं बनाए, टमाटर की प्यूरी वाले बनाए, वो होते हैं ना जो बिना टमाटर भी बनते हैं, तो ये मैंने चाय का पानी डाले, लौंग और काली मिर्च डाल करके इनको उबलने के लिए चढ़ा दिया था। फिर मुझे टिक्की की तैयारी करनी थी तो आलू मैंने सुबह को ही बॉयल कर लिए थे 12 बजे की, मैं सारी सब्जियां डालूंगी टिक्की में आज आलू के साथ, तो एक अलग टिक्की बन जाएगी, थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी क्योंकि जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं तो इस तरीके से उन्हें सब्जी दे सकते हैं। तो ये सारी सब्जियां मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी बिल्कुल छोटा छोटा, जब छोटा छोटा चॉप हो जाता तो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या सब्जियां इनमें डली हुई है। तो ये मैंने आलू बॉयल कर जो कर रखे थे उनको मैश कर लूंगी मैं, ये 4 या 5 आलू थे इन्हें अच्छे से मैशर से मैश कर लूँगी, या आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने सब्जियां काटी थी ना, फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, तो ये सब मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से हाथों से ही मिक्स करेंगे, वरना चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना। फिर इसमें मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो आप मैदा भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हेल्दी बनाना हो तो बेसन या फिर ब्राउन ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए। तो ये थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था मैंने इसमें, और आपको ओनली कटलेट्स इस जो मिक्सचर के ओनली कटलेट्स भी बन सकते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और जो भी मसाले हैं ना चाट मसाला वो भी डाल दीजिए, तो अच्छे से कटलेट बन जाएंगे। तो ये मुझे तो टिक्की बनानी थी छोले के साथ वाली, तो इस तरीके से शेप दे देंगे इसको, या फिर गोल गोल एक बार बॉन्डे के जैसे फ्राई कर लेंगे, और बाद में क्योंकि टिक्की को तो बाद में फ्राई करना ही होता है तवे पर, तो ये देखिए तेल में फ्राई कर दूंगी। तो इस तरीके से हम सभी टिक्की को डीप फ्राई कर लेंगे, आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ। इसे हल्का मैं लो टू मीडियम फ्लेम में, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का सा, क्योंकि बाद में जब छोले टिक्की हम खाते हैं तो जो टिक्की होती है उसे क्रिस्पी करने के लिए तवे पर भी हम उसे एक बार के लिए सेकते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्का सा ही इसे फ्राई किया है, आगे की टिक्की जो है मैं गोल बना दूंगी बॉन्डे के जैसे, और इसी बैटर से, इसी मिक्सचर से मैं आपको जो है वेजिटेबल आइसक्रीम कहिए, वेजिटेबल लॉलीपॉप बना के बता रही हूँ। ऐसे ही आप बहुत से तरीके से वेजिटेबल लॉलीपॉप बना सकते हैं बच्चों के लिए, उन्हें खाने में बहुत अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये मिक्सचर लिया उसमें आइसक्रीम स्टिक डाल ली और इसे एक बार और अच्छे से ऐसे कर लें ताकि स्टिक जो है वो निकले नहीं, अंदर तक डाल देंगे आइसक्रीम स्टिक को। तो ये देखिए तैयार हो गया, ऐसे ही हम दूसरी भी बना लेंगे। ये देखिए रोल किया और फिर ये डाली, और बस ऐसे कोई भी शेप दे सकते हैं आप, गोल गोल शेप भी दे सकते हैं लॉलीपॉप वाली, बट मैंने आइसक्रीम की शेप दी है, आप जो चाहें वो शेप दे सकते हैं। फिर जब ये दोनों तैयार हो जाएंगी, ये मैं आपको बस बना के बता रही हूँ, तो ये मैं कॉर्नफ्लोर में जो है इसे लपेट दूंगी, आप ब्रेड क्रम्स में भी इन्हें ब्रेड क्रम्स भी इनके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर में डाला है और अब मैं इसे फ्राई करने के लिए तेल में डाल दूंगी, ऑयल में, और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें पका लेंगे, क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक। इस पे तो मैंने मसाले नहीं डाले थे, लेकिन आपको और भी मसाले डाल लेने हैं जैसे गरम मसाला, चाट मसाला, आपके बच्चे जो भी खाते हैं चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। इस तरीके से वेजिटेबल आइसक्रीम तैयार है। प्यारी सी फ्रेंड प्राची, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे।
हमेशा बहुत अच्छे रहेगा, हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आज मुझे आ रही है नींद यार, देखो आंखों से लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इलू को पढ़ाते पढ़ाते ना सुनते सुनते मेरा दिमाग भी पक चुका है। ऐसे वाला हम ऐसे हो जाऊँ ऐसे तो क्या बच्चों के एग्जाम्स तो होते हैं जो होते हैं, उसकी उनकी मम्मी का एग्जाम ज़्यादा हो जाता है यार, सुनना उसको पढ़ाना उनको। और अभी भी मुझे जाके उसको पूरा पढ़ाना है, इंग्लिश का है तो हाँ चैप्टर्स मैंने करा दिए, अब ग्रामर करवानी है मुझे। ओह माय गॉड, तो अभी मैंने सोचा चलो आप लोग उससे बात कर लूँ। हाँ ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था आज, कुकिंग ही कुकिंग में निकल गया। हाँ ज़्यादा कुछ अभी मैं नहीं कर पा रही क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा छेड़ा छाड़ी नहीं कर रही हूँ काम से। हाँ कुछ गंदा भी रहेगा तो हाँ मैं सोचती हूँ रह जाए कि फाइनल एग्ज़ाम्स है। तो अभी मैंने छोले टिक्की बनाई थी, छोले टिक्की में थोड़ी सी मैंने वो किया है कि इस बार मैंने आलू ओनली आलू की टिक्की ना बना करके मिक्स वेज टिक्की बनाई है, सारी सब्जियां, तो वो थोड़ा हाँ सारी सब्जियां डल के हेल्दी हो जाता है। हाँ थोड़ा हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं तो कह सकते हैं कि थोड़ा अनहेल्दी है, या थोड़ा फ्राई करते हैं तो उसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे आप ब्राउन ब्रेड का क्रम्स डाल सकते हैं, बेसन डाल सकते हैं, और डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो एक चीज़ और मैंने उसी बैटर से आपको बताई है जो कि है वेजिटेबल, उसे लॉलीपॉप कहें या वेजिटेबल आइसक्रीम कहें, तो ये देखिए वेजिटेबल आइसक्रीम है ना, वेजिटेबल आइसक्रीम। ये इसलिए बताई है कि पूनम जी ने बोला था बच्चे छोड़ के टिफिन का, मैंने आपको बताया था तब, उसमें बताया था कि आप वेजिटेबल लॉलीपॉप भी बना सकते हैं। हाँ इसमें कॉर्नफ्लोर की जगह आप ब्राउन ब्रेड का ब्राउन ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए, थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए तो बाइंडिंग आ जाएगी और ये हेल्दी भी हो जाएगी। तो बच्चे जब टिफिन में हम ऐसी चीज़ें देते हैं ना तो हाँ उनके लिए हैंडी होती हैं, बहुत आसान होती है खाने, उन्हें इंटरेस्ट भी आता है। और ये ऐसे दिखा के खाते, देखो मेरी मम्मी ने तो ये भेजा, ऐसे करके खाते हैं। तो हाँ उन्हें थोड़ा सा चीज़ें वही होंगी लेकिन उन्हें थोड़ा सा रूप बदल के देना होगा, तो अपना टिफिन जो है फिनिश करके ज़रूर आएंगे। इसका जो है डंडी जो है वो जल जाती है थोड़ी फ्राई करने पे, तब इसकी जगह पे आप फॉइल लपेट के दे दीजिए और खूबसूरत लगेगी। आप ये शेप दे दीजिए, आप गोल दे दीजिए लॉलीपॉप वाली, मैंने आइसक्रीम वाली शेप दी है, आप लॉलीपॉप की शेप दे दीजिए तो हाँ बहुत अच्छा लगता है। इसी चीज़ को आप राजमा डाल के, राजमा बॉयल करके रख दीजिए, आलू बॉयल करके रख दीजिए रात में, और फिर उन्हें मैश करके उसकी लॉलीपॉप बना के दे सकते हैं, उसकी आइसक्रीम बना के दे सकते हैं, उसके कटलेट्स बना के दे सकते हैं। चने जो है काले चने और छोले और राजमा इन सबको मिला लीजिए, इतना हेल्दी है, प्रोटीन ही प्रोटीन मिलेगा। उसमें थोड़ा सा आलू डाल दीजिए, राजमा चने काले चने आलू इन सबको बॉईल करके रात में रख दिया और उसको मैश करके फिर बना लिए, है ना। तो बहुत हेल्दी भी है और टेस्ट भी है और बच्चे शौक शौक में फिनिश करके आएंगे। तो ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में आपको बताती रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अभी मैं इसमें फॉइल लपेट दूंगी और बस छोले और बनाने, आज क्योंकि लोग एग्जाम था तो थोड़ा सा लेट हो गई मैं, तो अभी फटाफट से वो करती हूँ। इसके बाद बस छोले बना रही हूँ। ये बेसिक मैंने मसाले ले लिए, देखिए धनिया, हींग, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर, ये मैंने ऑयल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। इसमें मैंने राई डाली और ये जो बे लीफ डाल दिया है, बे लीफ डालने के बाद मसालों का घोल तैयार कर लिया था। जैसा कि आपको पता है ये छोले की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार दे रही हूँ। ये मैंने ओनली बस आज मैंने प्यूरी नहीं बनाई थी टमाटर और हरी मिर्च की, आज मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था दरदरा सा। अब इसे तेल छूटने तक पका लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पका लेंगे। मैं काले वाले चने बनाने वाली थी लेकिन हाँ इलू को पसंद नहीं है काले वाले, इस वजह से मैंने उनको पानी इनका निकाल दिया और फिर इसको डायरेक्ट पानी निकाल के डाल दिया। तो हाँ ये नॉर्मल वाले बन गए थे, तो ये चने हम डाल देंगे इसमें और पकने देंगे इनको, उबाल आने देंगे अच्छे से, और फिर इसमें गरम मसाला अमचूर पाउडर भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से पका लेंगे। ये मैंने डाला है गरम मसाला, ये मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और इसे अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद मैंने कुकर में डाल करके इनको एक बार और पका लिया था, लथपथ हो जाते हैं। तो ये देखिए हरा धनिया भी डाल दिया था, तो ये देखिए चने हमारे तैयार हैं। आज थोड़ा जल्दी जल्दी बनाए थे इसलिए मैंने प्यूरी नहीं बनाई, अदरवाइज़ प्यूरी बना के आप बनाएंगे तो और मस्त बनेंगे। तो ये फिर
टिक्की तवे पर रखी, वैसे तो इसमें ऑयल डालकर वापस से इनको शैलो फ्राई करते, बट मैंने नहीं क्यों क्योंकि इतना ऑलरेडी ये डीप फ्राई की हुई थी तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो जाता, तो इस वजह से। तो ये बस टिक्की को प्लेट में डालेंगे, ऊपर से छोले डालेंगे, ऊपर से चटनी डाल देंगे दोनों तरीके की, फिर प्याज कटा हुआ डाल देंगे, आप चाहें तो कोई नमकीन भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा आज का जो डिनर था वो था छोले और टिक्की, और बहुत मस्त बना था यार। और ये जो टिक्की है बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, ओनली आलू की ना होकर मिक्स वेज की है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी है, आप इसको कोरा भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे छोले टिक्की तैयार हैं। तो इसके बाद खाना वाना खा लिया था और बर्तन कर लिए थे क्योंकि इलू के एग्ज़ाम्स हैं, तो थोड़ा काम मेरा इधर से उधर हो रहा है, तो उसको पढ़ाया था क्योंकि, तो ज़्यादा कुछ शूट भी नहीं किया। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।